जहानाबाद के पूर्व सांसद और रालोसपा नेता अरुण कुमार सिंह ने चमकी बुखार को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। हाजीपुर में उन्होंने कहा कि चमकी बुखार से हजारों बच्चों की मौत हो गई, लेकिन नीतीश कुमार 17 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। अरुण कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की कलाई खोलने के लिए कल से उनकी पदयात्रा मुजफ्फरपुर से शुरू होगी, जो पटना तक जाएगी। इस दौरान सरकार के काले कारनामों की पोल खोली जाएगी। इस मौके पर पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि सरकार पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में भी एक साजिश के तहत बच्चों की मौत के आंकड़े को कम दिखा रही है। इसके अलावा अरुण कुमार सिंह ने बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध पर भी जमकर बरसे और कहा कि बिहार की हालत इतनी बदतर हो गई है कि उनकी भी कब हत्या हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। पूर्व सांसद ने कहा कि मुजफ्फरपुर से 2 जुलाई को पदयात्रा शुरू होकर आगामी 6 जुलाई को पटना पहुंचेगी। इस दौरान चमकी बुखार मामले को लेकर लोगों के बीच जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा और सरकार पर नकेल कसने की तैयारी भी की जाएगी। गौरतलब हो कि बिहार में चमकी बुखार ने अब तक सैकड़ों बच्चों की जान ले चुकी है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए अब तक कोई उपाय नहीं किए गए। हालांकि नेताओं का दौरा जारी है, बच्चों को बचाए जाने की बात भी हो रही है, लेकिन जमी पर कुछ नजर नहीं आ रहा, जिसके वजह से मासूमों की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अरुण कुमार सिंह का यह पद यात्रा क्या रंग लाती है। प्रतिवर्ष मरते गए, इस बार 17 दिन के बाद नीतीश कुमार का निंद खुला, जब 150 बच्चे मर गए। इनके आंकड़ा के हिसाब से मैं मानता हूं कि उत्तर बिहार में हजारों बच्चे मरे हैं जो चिन्हित चिमकी के नाम से नहीं हैं, बट इसी तरह के लक्षण से हजारों बच्चे मरे हैं और ये हेल्पलेस हैं। सरकारी व्यवस्था के अलावे इनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये समृद्ध नहीं है कि विकल्प ढूंढें, इसलिए ये भगवान के भरोसे या नीतीश कुमार के भरोसे हैं। तो ऐसे लोगों को जहां मुआवजा देने का एक नाटक किया गया, केजरीवाल हॉस्पिटल में लोगों को पीटा गया, जो संख्या बढ़े नहीं इसके लिए बड़े तिकड़म किए गए, दूसरे जिलों में जो मर रहे हैं उनको इसमें जोड़ा नहीं जाए, ये सारा तरह का तिकड़म, गरीब के टैक्स से चलने वाली सरकार, सब लोगों के टैक्स से चलने वाली सरकार, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आपदा पर बड़ा बड़ा होर्डिंग, चेहरा चमकाने का काम होता है, एडवर्टीजमेंट पर खर्च होता है, लेकिन आपदा पर जीरो प्रबंधन है। इनके पास न डॉक्टर है न दवा है। तो इस सवालों को लेकर के हम पदयात्रा का काम शुरू किए हैं और इसमें कुछ साथी वहां से शुरू। तो इन अराजक तत्वों से ये सरकार घिरी हुई है और निश्चित तौर से आम जो जन है, जो लॉ अबाइडिंग लोग है, वह संकट में है, घनघोर संकट में है। हम ही लोगों की कब हत्या हो जाएगी कब पता नहीं, इतने तरह के गुंडों से लड़ते रहते हैं, अराजक तत्वों से।